इतनी दूर आसमान में कड़कड़ाती बिजली हमारे घर के खिड़की दरवाजों को कैसे हिला देती है। सूरज की धूप हमारे घर का बल्ब कैसे जलाती है। आज बात उसकी जिसकी सवारी करती है ऊर्जा, बात तरंगों की। ऊर्जा और तरंग, एनर्जी एंड वेव। तरंग शब्द से सामने आ जाती है कितनी बातें, क्यों ना आए। कितनी तरह की तरंगों से घिरे हैं हम, लेकिन तरंग होती क्या है। जहां भी ऊर्जा है वहां तरंग, क्योंकि ऊर्जा चलती है तरंग के रूप में। खुद देखिए कैसे ऊर्जा रस्सी को क्रम से गति देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रही है। दिख रही है ना तरंग। तरंग को समझते हैं तरंग का मॉडल बनाकर। चाहिए चौड़ा वाला टेप, लकड़ी की सीकें, थर्मोकोल के मोती और कैंची। टेप को इस तरह एक समतल मेज पर लगा लें, चिपचिपी वाली साइड ऊपर की ओर। अब बराबर दूरी पर सीके चिपका लें। वैसे आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बड़ी सावधानी से टेप के ऊपर चिपका दें उतना ही लंबा एक और टेप। दोनों चिपचिपी सतह आसानी से जुड़ जाएंगी। हम अपने तरंग मॉडल में हर सीक की दोनों तरफ लगा रहे हैं थर्मोकोल के टुकड़े। इससे तरंग अच्छी भी बनेगी और साफ दिखेगी भी। हिलाने पर टेप और सीके अपनी ही जगह हिल रहे हैं, बन रही है तरंग, आगे की ओर बढ़ रही है। सीके और टेप हैं माध्यम, वो सिर्फ ऊर्जा को तरंग के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तरंग की साइंस बड़ी मजेदार। हर तरंग एक जैसी नहीं। तरंगों के प्रकार समझने के लिए खेल स्लिंकी के साथ। स्लिंकी में तरंग बनानी हो तो हम उसे दो तरह से हिला सकते हैं, आगे पीछे या फिर इस तरह दाएं बाएं। तरंग का अंतर देखा ना। तो पहले देखते हैं आगे पीछे होने वाली तरंग। इसमें स्लिंकी के छल्ले धक्का देने पर आगे पीछे जा रहे हैं। एक छल्ले से दूसरे छल्ले को ऊर्जा का धक्का मिल रहा है। हर छल्ला धक्का आगे पहुंचाकर वापस अपनी जगह आ जाता है। स्लिंकी के छल्ले वहीं के वहीं, लेकिन ऊर्जा तरंग रूप में आगे। छल्लों के कंपन की दिशा और ऊर्जा के आगे बढ़ने की दिशा एक ही है, इसीलिए तरंग को नाम मिला है अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्जिट्यूडनल वेव, जिसका मतलब है लंबाई की दिशा में। अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे अच्छा उदाहरण हवा में चलती ध्वनि तरंगे। अगर हम हवा को देख पाते तो देखते ऐसी अनुदैर्ध्य तरंग। हवा के कण ऐसे ही आगे पीछे कंपन करते हुए हमारे चारों तरफ ध्वनि ऊर्जा को तरंगों के साथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तरंग हमेशा ऐसी नहीं, स्लिंकी हो या डोरी, उसे हम यूं भी हिला सकते हैं दाएं बाएं। अब भी बनेगी तरंग। अब कंपन आगे पीछे नहीं दाएं बाएं होंगे, और तरंग वो तो अब भी आगे बढ़ेगी, अब भी ऊर्जा आगे ही जाएगी। ये होती है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। यहाँ कंपन की दिशा ऊर्जा की दिशा से लंबवत, परपेंडिकुलर। प्रकाश, लाइट, वो भी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जाती है। वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जहां प्रकाश वहां अनुप्रस्थ तरंग। तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य, इस बात पर निर्भर कि कंपन की दिशा
और ऊर्जा की दिशा क्या है। अनुदैर्ध्य में कंपन की दिशा और ऊर्जा की दिशा समान। अनुप्रस्थ में कंपन की दिशा ऊर्जा के आगे बढ़ने की दिशा से लंबवत होती है। तरंग ऊर्जा का माध्यम है। ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंग रूप में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तरंगों में एक अंतर और। ध्वनि ऊर्जा आगे बढ़ती है माध्यम की सहायता से। माध्यम के कण ध्वनि ऊर्जा के धक्के से कंपित होते हैं और ध्वनि तरंग को आगे बढ़ाते हैं। माध्यम के बिना ध्वनि चल ही नहीं सकती, इसीलिए ध्वनि यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव। लेकिन प्रकाश अलग है। अंतरिक्ष के विराट खालीपन से बिना किसी माध्यम के, मतलब निर्वात में भी, सूरज की किरणें तरंग रूप में आगे बढ़ती हैं। हमारी पृथ्वी को उसकी सारी ऊर्जा और जीवन देती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिन्हें माध्यम नहीं चाहिए, और ये हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। अब समझे कि सोलर बल्ब को कौन सी तरंगे ऊर्जा देती हैं और वो जलता कैसे है। आधुनिक जीवन में तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की बहुत बड़ी भूमिका, फिर चाहे वो हमारे सेलफोन हो, खाना पकाने वाली मशीनें, या अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में काम आने वाले यंत्र, ये सब अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखते हैं ऊर्जा और तरंग एक बार और। ध्वनि ऊर्जा हो या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ऊर्जा तरंगों के रूप में ही चलती हैं। माध्यम के कंपन और ऊर्जा के चलने की दिशा एक ही हो तो बनती है अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्जिट्यूडनल वेव, जैसे ध्वनि। माध्यम के कंपन अगर ऊपर नीचे हो ऊर्जा की चाल से लंबवत तो बनती है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, जैसे प्रकाश। तरंगों को माध्यम चाहिए हो जैसे ध्वनि तो बनती हैं यांत्रिक तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम जरूरी नहीं। और अब आप बूझिए कि रिमोट का बटन दबाकर चीजों को दूर से ही कैसे चलाया जाता है, कौन ले जाता है हमारा आदेश मशीन तक। तरंग की बात बड़ी निराली, ऊर्जा उसकी करे सवारी। बात करें जब हम और आप, या फिर गायक ले आलाप, सूरज की धूप बने तरंग, ध्वनि प्रकाश सभी तरंग। जहां ऊर्जा वहां तरंग, ऊर्जा चले तरंग के संग।